और पाजी, क्या हाल चाल है? सुना तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें लड़की वाले देखने आए थे। अरे अरे यार, मेरी शादी कहाँ हो सकती है? मेरी दशा देख ही रहे हो। लड़की वाले आते हैं और देख के चले जाते हैं, फिर लौट के आते ही नहीं हैं। यार, क्यों नहीं हो सकती? क्यों इतना उदास हो? किसी तांत्रिक वंत्रिक को दिखाओ, तंत्र मन चलाएगा। तुम्हारे भी शादी उदी फिक्स हो जाएगी, तुम भी खुशहाल जीवन जियोगे। अरे भाई, मजा ले रहे हो? मैं भी तुम्हारे तरह सही होता तो मेरी भी शादी होती। तुम तो मजा ले रहे हो भाई, तुम दोस्त हो के मजा ले रहे हो। भला तांत्रिक किसी की शादी कैसे कराएगा? अरे यार, किसने कहा कि तांत्रिक शादी नहीं करवाते? करवाते हैं। तो मेरी भी करवा दो ना, मैं कब से शादी के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो गधों की शादी करवा देता है। तुम तो इंसान हो। अच्छा, मैं उसका एड्रेस बता देता हूँ, तुम चले जाना। ठीक है अच्छा ठीक है भाई, जल्दी बताओ। भाई, आनापुर वाला रोड पकड़ना, आनापुर से चकवा होते जाना, जौनपुर कुतुबपुर से निकल जाना, उनके पास पहुंच जाओगे तुम। ठीक? ठीक है, हाँ तो भाई, मैं चलता हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बीवी से मिलने आऊंगा। रुको बच्चा, क्या कष्ट है बच्चा? कष्ट ही कष्ट है बाबा। ए शांत हो जाओ, सोने से भला किसी का होता है? क्या कष्ट है बच्चा, बताओ तो सही। बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही, ये मेरा हाथ पैर ये सब देख के लड़की वाले कोई पसंद ही नहीं करते। बाबा, मेरा हाथ नहीं सही है, पैर भी नहीं सही है, मुझसे कोई शादी ही नहीं करता। क्या बताऊं बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कोई शादी करने के लिए मुझसे राजी ही नहीं होता, कोई करता ही नहीं। लड़की वाले आते हैं और देख के चले जाते हैं, कमेलिया भी नहीं पसंद कर रही है। एक उपाय है बच्चा, लेकिन उपाय बहुत कठिन है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम वह साधना कर सकते हो? मैं वह उपाय करूंगा बाबा, बस मेरी शादी होनी चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें चुड़ैल साधना करनी होगी बच्चा। चुड़ैल साधना पूर्ण होने के पश्चात वो चुड़ैल प्रकट होगी। उस समय उस चुड़ैल से तुम जो कुछ भी मांगोगे, गाड़ी घोड़ा दौलत शोहरत, वो तुम्हें चुटकियों में ला के देगी। जल्दी बताइए बाबा, चुड़ैल साधना जल्दी बताइए बाबा। तो सुनो बच्चा, ओम डाकनी शाकनी चुड़ैल पिशाचनी प्रकट होम फट, इस मंत्र का उच्चारण अमावस्या की रात किसी कुएं पर बिना वस्त्र के बैठकर आधी रात को 1,25,000 बार इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा बच्चा। उसके बाद वह चुड़ैल प्रकट होगी। उस चुड़ैल से तुम उस समय जो कुछ भी मांगोगे, धन दौलत शोहरत इज्जत,
कुछ भी वह तुम्हें चुटकियों में प्रदान करेगी। वही चुड़ैल तुम्हारी शादी भी करवाएगी बच्चा। ठीक है बाबा, मैं ये साधना जरूर करूँगा बाबा। ठीक है बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो। ॐ डाकनी शाकनी भूत प्रेत वेताल पिशाचाय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ हूं ग्लौं हूं क्लीं जौं से जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हूं फट स्वाहा। लगता है जब तक अपना रक्त नहीं पिलाऊंगा तब तक ये चुड़ैल प्रकट नहीं होगी। हुकुम करो मेरे आका। तुम कौन हो? मैं वही चुड़ैल हूँ जिसका तुम आवाहन कर रहे हो। डरो मत मेरे आका, जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है मैं आपका सारा काम करूँगी। हुकुम करो मेरे आका। अच्छा, तुम मेरा सारा काम करोगी? हाँ मेरे आका, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उस पेड़ के पास एक गुड़िया बंधी हुई है जिसे तंत्र मंत्र से बांधा गया है। उस गुड़िया में मेरी आत्मा को बंदी बनाया गया है। उस गुड़िया को तुम आजाद कर दो तभी मैं तुम्हारा सारा काम पूर्ण रूप से कर पाऊंगी। यही गुड़िया है ना? हाँ यही गुड़िया है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम मुझसे शादी करो नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगी। अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापा को भी मार डालूंगी। तो नहीं मानोगी तो घर पर लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये गुड़िया तो फेंक दो। नहीं, ये गुड़िया तो मेरी जान है, इसी में मेरी जान बसती है, मैं इसे नहीं फेंक सकती। अच्छा तो ठीक है, चलो।
ये मेरे पापा हैं, पैर छुओ। ये कौन है, किसको उठा लाए हो? ये मेरी पत्नी है पापा, मैं इसे शादी करके लाया हूँ। आखिर ये है कौन, ना घर का पता ना खानदान का पता, जिसे मन करोगे उसी को उठा लाओगे? पापा मैं इसे शादी किया हूँ। जब इसे शादी कर ही लिए हो तो जाओ यहाँ से, लेकिन भागो यहाँ से, जाओ। लगता है ये चुड़ैल मेरा खून पी पी कर मुझे मार डालेगी। अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। वह खुद बताई थी कि उसकी जान उस गुड़िया में है। लगता है उस गुड़िया को ही मारना होगा। लगता है उस गुड़िया को मारना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, गुड़िया के साथ कुछ मत करो, गुड़िया के साथ कुछ मत करो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। ठीक है।